कुरुक्षेत्र के शाहबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिए, जहां पर पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर और गधा देकर सम्मानित किया। मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये ठगिया गठबंधन के लोग हैं, ठगिया गठबंधन के लोगों का एक भ्रष्टाचारी टोला है। किसी के ऊपर FIR दर्ज है तो कोई जेल में है, तो कोई बेल पर है, तो कोई जेल जाने की तैयारी कर रहा है। खिलाड़ी विजेंद्र सिंह के ऊपर बोलते हुए कहा कि उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर स्वागत है, नरेंद्र मोदी है तो सब मुमकिन है। देश को आगे बढ़ाने वाली है, देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं सर, वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते, वो अपने आप को मानते हैं। हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी है, और उनके पास नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं देता, कौन उनका नेतृत्व होगा। और आज देश समझ चुका है, ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों का एक टोला है। किसी को FIR दर्ज है, कोई जेल में है, कोई बेल पर है, कोई जाने की तैयारी में है। सिंह साहब मेरे एक सवाल है, पंच पर हमने जांच के आदेश दिए हैं, और जो भी वहाँ पर कोई दोषी होगा, हमने कहा है कि इसकी जांच की बधाई गए पर उन सबको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और सिर्फ एक किराया ही उनका लगा है, टिकट का किराया लगा है, वो कोई पैसा उनका नहीं लगा। और इस प्रकार का पहली बार सरकार ने इंसेंटिव लेकर के